ये सदन में चर्चा हो रहे हैं दोनों बिलों पे, सर मुझे बड़ा ताजुब लग रहा है कि हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, मतलब फॉर्मर कानून मंत्री, हमारे और एक कानून मंत्री किरण रिजिजू जी भी, और हमारे कल और एक हमारे मंत्री, ये सारे हर बात में नेहरू जी को लेकर सदन में आते हैं और नेहरू जी के खिलाफ सारे गाली गलौज बरसाते हुए वो सोचते हैं कि अपने सारे बात आलोचना, अच्छा ठीक है आलोचना, अच्छा आलोचना, गाली गलौज मतलब आलोचना। कल जितेंद्र सिंह भी घुमा फिरा के, जब हम कुछ अलग बात पूछ रहे थे तो सारे घुमा फिरा के चले आते हैं नेहरू पे। अरे ये सत्तर साल की सुनते थक गए हैं। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं, हमारे स्पीकर साहब के दौरान एक दिन ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं जी, हम तैयार हैं, आप तैयार करो, आप अधीर रंजन जी दरखास्त दे, हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी अभी तो कर लूं चर्चा, अभी अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए दे दिए हैं दरखास्त, मेरा दरखास्त दे दिए हैं। अभी ये कहे जा रहे थे हमारे भी दिया नहीं है नहीं, दरखास्त आपको दिया मैंने, मतलब भरबली दिए सर। मैं चैलेंज करता हूं एक दिन, सर हमारे सत्र बोलने दीजिए सर, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहावत थी जिसको कहते कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन, कश्मीरियत जमहूरियत इंसानियत, आप पालन करती है नहीं आप खुद तय कर। हमारे आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप लोगों को ये सलाह दिए थे कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हम मिटा के रखूंगा। ये दिल की दूरी गए हैं, दिल्ली की दूरी खत्म हुई है, आप खुद तय कर लो। नाउ इट इज द टाइम टू हैव सम सॉर्ट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन सो फार एज कश्मीर इज कंसर्न। हमारे गृह मंत्री सदन में कहते थे उस समय कि ये कश्मीर की बात छोड़ो, पीओके सियाचिन सबके लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार है। अभी जिंदा है, आप जान आपको नहीं देने पड़े। अच्छा आपने ये भी कहा था कि एप्रोप्रिएट टाइम पे चुनाव होंगे, बताइए कोई गलत बात करती है नहीं। अच्छा अभी तो ये मुद्दा किस लिए कि जेरीमेंडरिंग करने के लिए, मतलब चुनाव जीतने के लिए नए नए तरीका आप अपनाते हैं, इसलिए कि आपने सोचा था लोकल चुनाव तो करा देते हैं, लेकिन लोकल चुनाव कराने में आपको हार निश्चित हो गए थे, तो उससे बचने के लिए अब नया नया तरीका अपनाते हैं, इसको कहते हैं कि जेरीमेंडरिंग। बात सुनिए अमित शाह जी, वादा किया था आपने कश्मीर में अमन लाएंगे शांति लाएंगे, जो वादा किया था वो निभाना भूल गए। लोगों की मन में उम्मीद की आग जलाई थी आपने, लेकिन वो बुझाना भूल गए। ये समस्या आपकी यही है। अभी अभी मैं रविशंकर प्रसाद जी कहते थे वल्लभ भाई पटेल के बारे में, अब बराबर चाहते हैं कि नेहरू जी के साथ वल्लभ भाई पटेल की दरार किसी हालत में पैदा किया जाए, मैं जानता हूं। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हुज लिगेसी द बीजेपी हैज नाउ एप्रोप्रिएटेड टू डिस्क्रेडिट नेहरू
tried to convince Liaquat Ali Khan in the Partition Council to take Kashmir and leave Hyderabad Deccan. In her book, Kashmir in Conflict, Victoria Schofield says that even Mountbatten's political advisor, Sir Conrad Corfield, recommended a barter. But anything that Corfield said carried no weight against the long-standing determination of Jawaharlal Nehru to keep Kashmir in India. And itihas gaba hai. Dekho, chunav mein aap jeette haarte badi baat nahi. Itihas gaba hai. Us samay, agar ghaati ki musalmanon ne, haan, Sheikh Abdullah ki agwai mein musalmanon ne, national conference, agar sahayata na karte, to Kashmir ko hamare saath rakhna thoda mushkil ho sakta tha. Sir, Kashmir in conflict. Kashmir in conflict. Through you, written by Victoria Schofield. Speaker, Adhir Ranjan Chaudhary ji, say, let that book be placed on the table of the House, and please tell us. I would like to repeat: history should not be distorted, especially in this House. The person who has written that book, what is her antecedent? Who is she? Is she a resource scholar? And when we are referring to Sardar Patel, what format actually she has quoted? Where from she has got that information that Liaquat Ali Khan has been told by Patel on this manner? If that record is there, let that be placed on the House. Then only... Your loyalty or allegiance to the ruling party must be appreciated. That is different issue. Sir, point of order hai sir. Speaker ka direction 115 sir. Usme koi member yadi galat baat keh raha hai, तो किसी मेंबर को अधिकार है उसको सुधारने का. अभी इन्होंने कश्मीरियत की बात कही सर, नया कश्मीर और कश्मीरियत शेख अब्दुल्ला का बात था, नारा था वो. अटल बिहारी वाजपेयी का नारा कभी नहीं रहा है. ये उनका क्वाइन है. जमहूरियत और इंसानियत अलग चीज है. कश्मीरियत और नया कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नारा. नहीं 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 अप्रैल 2023 में चुनाव हो गया था, वहां पे मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बन गई थी, तो उन्होंने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का नारा दिया था. तो 2003 की बात कर रहा हूं मैं. तो ये कहना कि कश्मीरियत की बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं की थी, ये आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो लेगेसी है उसके विरुद्ध बात करते हैं. अधीर रंजन जी प्लीज. अरे रविशंकर प्रसाद जी, आप बहुत बड़ा कानून मंत्री भाई, सब जानते हैं. मैं आपको और एक बात कहना चाहता है प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी, और एक बात करना चाहते हैं. नो अधीर रंजन जी प्लीज सर, और एक बात करना चाहते हैं. सुनो, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिन्हा सेड, हमारे पार्टी के तो नहीं थे, इट वॉज अ मिस्टेक बट थिंक ऑल्सो व्हाट वुड हैपेंड इफ इंडिया हैड नॉट, व्हाट इफ पाकिस्तान हैड गन टू द यूएन फास्ट. मैंने नहीं कहा, जसवंत सिन्हा की ये बयान है. अच्छा देखिए, हरी सिंह के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट,
पाकिस्तान ने किया था, हिंदुस्तान ने नहीं माना जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, यह क्या गलत है? तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी राजी हो चुके हैं, दिन भर चलिए नेहरू देश के लिए हानिकर है और आप देश के लिए कल्याणकारी हो, एक दिन भर। अब मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है, नेहरू हानिकारक है, ऐसा शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, आप नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था और कैसे था, इसमें उस वक्त के सभी लोगों का रोल क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं नेहरू, हम हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे हैं नेहरू हानिकारक थे तो हम क्या कर सकते हैं? आप कह रहे हैं नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज बीन ट्रीटेड बाय यू एज ए व्हिपिंग बॉय टू हीप अप ऑल एलिगेशन अपॉन हिज शोल्डर। दिस इज द आयरोनिकल टू नोट, ये पंडित नेहरू की चलते आज देश कहां से कहां आप पहुंचे। आइए ना एक दिन सदन में चर्चा किया जाए। हम लोग ये नहीं कहते कि सब कुछ हम कर दिए हैं, लेकिन सुनिए, स्पेयर योर वर्ड्स, योर एक्शन विल स्पीक फॉर इट।